ऑल ऑफ अस आर सो हैप्पी, मेरी क्रिसमस एवरीवन। और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल में आए हैं। आप लोग क्या विश किए हैं आज? वो विश तो सीक्रेट है, इट विल ओनली गो टू लॉर्ड जीसस, बट आई वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड आल्सो एडवांस विशेस फॉर अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2022। दिस इज़ माय फैमिली, हम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ आए हैं। हम हमेशा एवरी ईयर यहाँ पे आते हैं बिकॉज यहाँ का डेकोरेशन बहुत ग्रैंड होता है। यहाँ पे चर्च में जो प्रेयर सर्विस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत पीस मिलती है। सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ पीस, लव एंड जॉय, सो वी शुड स्प्रेड लव एंड Merry Christmas to all of you. इस मौके पर जो है आप लोग खुश हैं तो क्या कहना चाहेंगे क्रिसमस के लिए? जी गुड मॉर्निंग, पहले तो मैं आपको कहूँगी मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई एम वेरी चेयरफुल ओवर हियर बिकॉज यू आर द पर्सन। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया पटना आकाशवाणी, आई एम अ वोकलिस्ट देयर इन सुगम संगीत। माई नेम इज श्रीमती डे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ओवर हियर। भगवान आप सब लोग का मंगल कामना मैं करती हूँ जी। क्रिसमस के अवसर पर आने वाला नया साल भी मुबारक हो सबको। क्रिसमस तो हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है और आप देख सकते हैं कि रात में भी काफ़ी लोग आए थे चर्च में और अभी भी सवेरे बहुत उमंग के साथ, खुशी के साथ लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ यहाँ यीशु का दर्शन करने के लिए। सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर, सारा व्यवस्था, यहाँ बैठने उठने की सभी व्यवस्था है लोगों के लिए भी, यहाँ पर आने के लिए कतार में आ करके कतार में जाने का, सही मास्क के साथ लोग आ रहे हैं, लोग अपना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आ रहे हैं। और हम चर्च में भी देख रहे थे कि काफ़ी लोग मास्क पहन करके और डिस्टेंस बना करके बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। सर क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई थी? इस तो बाइबल में सब कुछ जैसा कि लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और गडेरियों को, जो चरवाहे हैं गरीब हैं, उनको ये संदेश दिया गया कि आपके लिए एक मसीहा आए हैं और जाकर के उनका दर्शन कीजिए बेतलहम में। तो वे लोग गए और देखे कि सब कुछ वही जैसा उन्होंने सुना, जैसा कि स्वर्गदूत ने बताया वैसा ही वहाँ उन लोगों ने पाया, बालक यीशु को पाया, माँ मरियम और संत जोसेफ वहाँ गौशाले में। तो एक ईश्वर गरीब इंसान बनकर के हम लोगों की तरह इस दुनिया में आए, हम लोगों की तरह, लेकिन वो हमारा हमें पापों से बचाया और हर प्रकार के बंधन से हमको मुक्त किया। पूरे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं क्रिसमस को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये क्रिसमस जो है शांति और आनंद लेकर के यीशु इस दुनिया में आए, और ये चाह यीशु की इच्छा यही है कि ये शांति और आनंद सभी लोग अनुभव करें। तो जो लोग उनमें विश्वास करते हैं वे तो अनुभव करते ही हैं, और मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग यीशु को जाने, उनके संदेश को जाने। वो संदेश सारी दुनिया के लिए है, सबके उद्धार के लिए है। तो मेरी प्रार्थना है यीशु से कि जो लोग उनका दर्शन करने आते हैं उनको आशीष मिले और उनके परिवार में, उनके जीवन में शांति बनी रहे। जी आपका परिचय? मैं यहाँ पर बिशप्स हाउस, आर्च बिशप्स हाउस में यहाँ का फादर हूँ और यहाँ चर्च का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फादर कुलदीप है। हम लोग क्रिसमस पर आए हैं घूमने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस पर। चर्च में बहुत भीड़ है और कोरोना के इस काल में भी हम लोग चर्च आए हैं और प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर कर रहे हैं जी? क्या प्रेयर कर रहे हो तुम लोग? बस हम लोग कुछ अपना अपना विश मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाए कि सफल हो जाए। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए, सफलता मिल जाए, कुछ सफलता मिल जाए, जो माने कि जो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो अचीव हो जाए। और क्या करते हो? या किस क्लास में पढ़ाई करते हो? फिलहाल तो अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।